सो हेलो एंड वेलकम, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज विजय। ई पाठशाला लेक्चर सीरीज के अंदर आज आप देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी पुराने जमाने में क्या थी, प्रेजेंट टाइम पे ये जमाने में कैसे चेंज हुई। जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम हैं उनमें जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसके अंदर इसके बारे में जरूर बताया जाता है। चैप्टर का नाम आप क्लास 12 के अंदर अगर देखेंगे तो क्लास 12 के अंदर इंडियन एक्सटर्नल रिलेशन यानी कि भारत के विदेशी संबंध में एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा बहुत जिक्र है। बट ऑफकोर्स क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड हुई है तो दैट इज़ वाई मैं उसके लिए भी ये वीडियो लेक्चर सीरीज बना रहा हूँ और जितने भी गवर्नमेंट जॉब के लोग हैं वो भी इसे डिटेल में समझ सकते हैं कि भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी है क्या, भारत किस तरीके से पहले क्या था और अभी क्या सोचता है, इस चीज़ को कैसे बनाने की और अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप सभी लोग ई पाठशाला के चैनल पर नए हैं सो आई रिकमेंड टू यू कि ई पाठशाला चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ई पाठशाला का चैनल क्लास 12 के बच्चों के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इवन क्लास 12 के प्रिपरेशन पॉलिटिकल साइंस ही करना चाहते हैं तो इस चैनल से आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। दोनों बुक कम्प्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज अपलोड है, जाइए वॉच आउट करिए। नोट्स चाहिए तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं जो ईपी फैमिली है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पढ़ाया जाता है वो सब यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं बहुत आसानी से। लेक्चर की शुरुआत करते हैं भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी से। दोस्तों भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी की शुरुआत हुई कहाँ से, इसकी शुरुआत अगर हम देखने की कोशिश करें तो थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जाने की जरूरत पड़ेगी। बैकग्राउंड में जाने का तरीका बस इतना है कि थोड़ा सा टाइमलाइन याद रखने की जरूरत है। भारत को वैसे तो न्यूक्लियर वेपन की नहीं है लेकिन 1947 की आज़ादी के बाद भारत ने महसूस करा कि इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं हमें न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी बनने की ज़रूरत है। हालांकि अंग्रेजों ने जब तक हमें 200 साल तक गुलाम बनाए रखा तो उस टाइम पीरियड पे तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते थे। बट जैसे ही हम 1950 होते हैं और हम अपना संविधान बनाने के बाद पूरी तरीके से देश के अंदर इलेक्शन कराने के बाद सही सफल लोकतंत्र स्थापित करने के बाद फाइनली हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम एक न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर समृद्धि देश वाला बन पाएंगे। हालांकि शुरुआती समय में हमारा टेंशन ये नहीं था कि हम इसका कहीं ना कहीं नेगेटिव यूज़ करेंगे क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ही विजनरी लीडर थे। उन्होंने कहा था कि इसका उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से या शांतिपूर्ण चीज़ों के लिए ही करा जाएगा, जैसे कि बिजली बनाने का मुख्य काम होगा और दूसरे और काम भी हो सकते हैं जिसका इस्तेमाल करना होगा हमें। तो इस तरीके से इस चीज से शुरू करी गई, अगर दुनिया के अंदर शांति कायम करने वाला पहला कोई देश बनेगा तो भारत देश बनेगा। भारत अपने न्यूक्लियर वेपन को पूरी तरीके से खत्म कर देगा, ये प्लज ले रहा है कि पूरी तरीके से उसे खत्म कर देगा। उसके लिए बस ये है कि अगर दूसरी कंट्री भी तैयार है डिसआर्मेंट करने के लिए यानी कि निशस्त्रीकरण करने के लिए दूसरी कंट्री अगर तैयार है तो भारत पहली कंट्री बनेगा। लेकिन ऑफ कोर्स आज़ादी के बाद तो हमने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी को मॉडर्न करने के लिए, देश को डेवलप करने के लिए हमें इसकी कहीं ना कहीं ज़रूरत है। सो वन ऑफ दैट पर्सन, जैसे भारत के संविधान निर्माता या वास्तुशास्त्र डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं, वैसे ही भारत के होमी जहांगीर बाबा चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया बोले जाते हैं, जिन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी की नींव उस टाइम पीरियड पर रख दी थी। कहा जाता है कि 1946 में ही इसकी शुरुआत भारत के अंदर काफ़ी सही तरीके से स्टार्ट हो चुकी थी लेकिन ऑफ कोर्स सफल परीक्षण नहीं हुआ था। भारत न्यूक्लियर एनर्जी वाला और हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना ने 1964 के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी को दुनिया के सामने ला खड़ा करा और उन्होंने उस टाइम पीरियड पे परमाणु परीक्षण कर लिया। एक सबसे बड़ा चाहूंगा कि अगर हम लोग न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्री होते टू का जो हमें युद्ध चाइना वर्सेस इंडिया हुआ था उस टाइम पीरियड पे हमारे 62,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन छीनी नहीं गई होती अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन होता तो। अब इस तरीके से आप देख सकते हो कि जब 1964 के अंदर पूरी तरीके से परमाणु बम बना लिया तो ऑफ कोर्स यहाँ पर उसके बाद दूसरी कंट्रियाँ जो पांच परमानेंट मेंबर है UN की, मेंबर पांच परमानेंट जैसे आप F रेस बोलते हैं, फ्रांस, USA, चाइना, रशिया, UK, इन पांच कंट्रियों ने भी जो
परमानेंट मेंबर है, इन्होंने भी सफल परमाणु परीक्षण कर लिए। हर देशों ने अलग अलग टाइम पीरियड पे करा। मेन मकसद था अपनी आर्मी को मजबूत बनाना, मेन मकसद था ये दिखाना कि भाई हमारी कंट्री कितनी ज़्यादा डेवलप है या कितनी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है वगैरह वगैरह। फिर फाइनली यूएस के सारे काउंसिल्स के लोगों ने ट्राई करा और एक मीटिंग बैठाई और एक एनपीए पॉलिसी लागू करने की कोशिश करी पूरे वर्ल्ड के अंदर। उन्होंने एलटीबीटी 1963 के अंदर और उसके बाद उन्होंने एनपीटी 1970 के अंदर दो पॉलिसी लागू कर दी। एक पॉलिसी के अंदर एलटीबीटी ये बताता है कि लिमिटेशन टेस्ट बैन ट्रीटी के अंदर ये होगा कि किस तरीके से कोई भी कंट्री जिनके पास परमाणु हथियार है अब वो लिमिटेड कर देगी, जिसके पास है सिर्फ उसी के पास रहेगा। और 1963 के बाद कोई भी कंट्री पूरी तरीके से क्या कहते हैं परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकती। लिमिटेशन टेस्ट बैन ट्रीटी था जिसमें ये कहा गया था कि सीमित जगहों पर ही या सीमित प्लेसेस में ही इसका परीक्षण किया जा सकता है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। कहा गया कि वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और उसके बाद पानी के भीतर परमाणु परीक्षण नहीं करे जाएंगे। फिर भी चाइना ने 1964 के अंदर किया था। एनपीटी 1970 में लागू हुआ और ये कहा गया कि अब जिन कंट्रियों के पास परमाणु हथियार हैं वो कंट्रियां कहीं ना कहीं अब ना बेचेगी और फैलाने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों ये पहले तो चाइना ने बना दिया, पांच कंट्रियों ने बना दिया यार, ये तो बिल्कुल एक मैं कह सकता हूँ कि ये कहीं ना कहीं एक भेदभावपूर्ण संधि है जिसमें सभी कंट्रियों को साइन करने के लिए बोला जा रहा है। देन फाइनली इंडिया ने डिसाइड किया कि हम इसके हम साइन करने वाले नहीं है। काफी लंबे समय तक ये बात टल गई, नेहरू जी आए, उसके बाद फिर आपके शास्त्री जी आए, देन उसके बाद काफी डामाडोल मामला चलता रहा और 1974-71 में जाके इंदिरा गांधी की सरकार पूर्ण बहुमत में, मैं कह सकता हूँ कि संपूर्ण बहुमत में सरकार आई। जब संपूर्ण बहुमत में सरकार आई, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट करा, उसका नाम है बुद्धा स्माइल 1924, फ्लॉप हुआ था। ऑफ कोर्स हम पहला ट्राई कर रहे थे, हमें नहीं लगा कुछ भी, फ्लॉप हो गया। देन फाइनली 1974 के बाद हमारे संबंध अमेरिका से, उस टाइम पीरियड पे यूएसएसआर जैसी कंट्री हमें मदद कर रही थी न्यूक्लियर वेपन को बनाने में, आर्मी में और भी दूसरे जो प्रॉब्लम्स थे उस टाइम कंट्री ने मदद करी, यूएस ने हमारी कोई मदद नहीं करी। जो आज हमारे साथ एक अच्छा कंधे से कंधा मिला के दोस्त बना हुआ है, उस टाइम पीरियड पे ऐसा नहीं था। 1998 के अंदर ऑपरेशन शक्ति चलाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को मेरा सलाम। दोस्तों वो एक ऐसे पीएम थे जिन्होंने हर क्षेत्र में काम करा, जिसमें सबसे बड़ा क्षेत्र था आपका परमाणु हथियार के लिए। इंडिया को सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट जैसलमेर पोखरण के अंदर ये विस्फोट हुआ, रातों रात ये खबर पहुंच गई पूरे वर्ल्ड के अंदर कि भैया उस टाइम पीरियड पे जब अमेरिका की सैटेलाइट भारत के हुई है, वो ये बताने के लिए कि अमेरिका की सैटेलाइट होते हुए भी हमने परीक्षण करा तो सफल परीक्षण हुआ। इस सफल परीक्षण से ये तय हुआ कि जहां पे 1964 में कहानी स्टार्ट हुई थी वो 1998 में आके, क्योंकि किसी भी देश ने हमें परमाणु बम नहीं दिए, सब साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, खुद से सब कुछ रिसर्च करा और ये पूरी की पूरी एनपीआर क्या कहते हैं हमने सफल परमाणु परीक्षण करा और भारत देश 1998 में जाके एक कंट्री बनता है और बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। तो उस टाइम पे जब 1998 में पहली हमने सफल परमाणु परीक्षण करा तो उस समय पे हमारी परमाणु नीति क्या थी, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार क्लियर कट बोलती है कि भैया देखो हम तो चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से निवारक बने रहे, अगर परमाणु बम का इस्तेमाल करें ना तो ये चाहते हैं, हम तो आज भी कह रहे हैं कि हम इसका फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। कोई कंट्री अगर ये कहना चाह रही है कि भैया यूएन के अगर अगेंस्ट में है पॉलिसीज के, तो हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी कंट्री को बोल दो कि न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड बन जाए और इंडिया पहली कंट्री होगा जो अपने पूरी तरीके से हथियार खत्म करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो एक ऐसा देश है जिसने लोगों को बुद्ध दिया, एक शांति प्रिय एक मैसेज दिया पूरे वर्ल्ड को और आज बुद्ध धर्म पूरी कंट्री में कहां कहां पर है। तो हम कभी युद्ध नहीं चाहते, हम शांति प्रिय बने रहना चाहते हैं, दैट इज वाई ये सारी लिस्टेड बनाई गई। लेकिन दोस्तों ये 1998 से लेकर 2014 तक ये चीज़ें लागू रही। अब प्रेजेंट टाइम पे अगर आप देखें तो प्रेजेंट टाइम पे ये सिनेरियो पूरी तरीके से बदल जाता है। नेहरू जी के बाद अटल जी, अटल बाद आता है पूरी तरीके से आपके
मोदी जी की सरकार, बीजेपी की गवर्नमेंट सरकार आती है, फाइनली उन्होंने बोला कि नो वो हम पूरी तरीके से रिवाइव करेंगे। रिवाइव का मतलब है इसमें करेंगे, दोबारा सोचेंगे, मतलब अगर किसी कंट्री के लॉस में कोई बात आती है तो हम नो फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो भैया हम तो अटैक कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहां पर अगर आप देखें तो ये मोदी के गवर्नमेंट जो के द्वारा नो फर्स्ट यूज रिव्यू हुआ, और अब हमने कहा कि हम तो अगर आपको लगता है कि हमारी कंट्री की एकता और अखंडता को खतरा है तो हम ये नहीं देखेंगे कि नो फर्स्ट यूज कोई पॉलिसी हमने अपनाई थी, इतना क्लियर है। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएट था मोदी जी की गवर्नमेंट के टाइम पीरियड पर। अगर आप देखें तो उस टाइम पीरियड के अंदर हम 35वीं कंट्री बनते हैं एनएसजी के अंदर। एनएसजी जो है वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, ऑफ कोर्स 1975 के अंदर कंप्लीटली ये बना था। इसका मेन मकसद ये है कि इसके अंदर आने के बाद एनपीटी का हमने विरोध करा, हमने कहा कि भैया ये पॉलिसी बिल्कुल खराब है। हमने कहा कि भैया देखो, अगर एनपीटी के अंदर 48 देशों का समूह है तो आपस में पहले न्यूक्लियर एनर्जी को बेचना खरीदना बिल्कुल सही नहीं था। आज की डेट पर न्यूक्लियर एनर्जी में जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती है वो 48 कंट्रियों के बीच में साझा की जा सकती है, और ये पूरी तरीके से जीएस इसके अंडर और इसकी देखरेख में होता है। लेकिन इंडिया ने इसमें साइन करने से पहले परमाणु परीक्षण ना करने जैसी नीतियों को फॉलो करा, उन्होंने कहा कि परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे आज के बाद हम लोग, लेकिन परमाणु परीक्षण अगर करा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ ये होगा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल, या मतलब परमाणु परीक्षण का जो अंजाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि हम शांति देश के लिए करेंगे, ऑफकोर्स बनाने के लिए करेंगे, तो ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम करेंगे, लेकिन ऑफकोर्स कुछ भी होगा वो यहाँ पे लिखा भी हुआ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसके देखरेख में, मतलब हम इस्तेमाल करेंगे लेकिन ऑफकोर्स हम पूरी तरीके से इसको देखेंगे कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी, कितना जोखिम है, सारी चीज़ें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी पूरी तरीके से जो न्यूक्लियर पॉलिसीज है उसमें बदलाव आए, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम इसमें काम कर रहे हैं। सो आई होप दैट आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी कि किस तरीके से आज की डेट में न्यूक्लियर पॉलिसीज को अपडेट करा गया है। सो अगर आप चाहते हैं वीडियो को कम्प्लीट नोट्स लेना तो आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम अफकोर्स, अगर आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।